आज अगर एक 20 साल का लड़का जो है ना वो ये रोजाना मोटरसाइकिल चलाता है, वो डेली बेसिस के साथ उन गड़ों की वजह से अपनी जिंदगी गुजार रहा है, और इस वक्त तो वो जवान है, उसको पता नहीं चल रहा, मगर डाउन द रोड 5 साल 10 साल के बाद वो मुस्तकिल कमर के दर्द का शिकार हो जाएगा, और उस वक्त जब वो आएगा तो फिर उस वक्त उसके लिए कुछ भी करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ दिनों के लिए दवाई देते हैं, वो दर्द ठीक होता है, मगर उनकी सवारी तो नहीं बदलती, फिर मोटरबाइक पे बैठते हैं, फिर उन्हीं रोड्स पे जाते हैं, तो एक साइकिल चल रहा है, एक साइकिल चल रहा है इन बच्चों के लिए कि जो कभी ठीक नहीं होके दे रहा, उनके बार बार दर्द हो रहा, बार बार वो काम से घर आते हैं। खुदा रहा उसके बाद सड़कों को प्लीज़ उनके ऊपर से गड़े ख़त्म किए जाएँ और गटर के ऊपर ढक्कर लगाए जाएँ, क्योंकि गटर के अंदर गिरने वाले लोग भी बेहिसाब हैं जो कि सिविल अस्पताल और JPMC में आते हैं, वो तो इतने लातादाद हैं उनके तो नंबर भी नहीं है हमारे पास। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसमें कोई इतना बड़ा खर्चा भी नहीं है, रोडों को हमवार करने का इतना बड़ा खर्चा नहीं है, कुछ तो हमारी कौम के लिए करें। अगर 100% नहीं कर सकते, मैं समझती हूँ 30-40% भी कर दें तो बेहतरीन हो जाएगा, लाखों लोग मोटरसाइकिल चला रहे हैं। अगर मैं इसको फिल वक्त समझूं कि 10,000 लोग हर महीने किसी तरीके से बीमार होते हैं या उनकी हड्डी टूटती है, 10,000 घर हैं, 10,000 लोग अपनी जॉब पे नहीं जाते, इसको आप कैलकुलेट करें इनटू वैल्यू ऑफ मनी आवर्स एंड पेन दैट पीपल सफर फ्रॉम। जब 60-70 की स्पीड पे एक गड़ा आता है, मोटरबाइक का पहला हिस्सा जब जाके टायर अटकता है, सबसे पहले तो व्हिप्लैश इंजरी होती है, आपका जो ब्रेन होता है वो अपने स्कल के अंदर बहुत ज़ोर से हिलता है। होता यही है कि जब बड़ा गड्ढा होता है और उसमें जाके पहला टायर फंसता है तो ये लोग कहीं से इस साइड पे नहीं गिरते, इस साइड पे नहीं गिरते, तेज़ी से पूरी बॉडी गिरती है। और अगर कितने होते हैं जैसे आगे कोई पेवमेंट है, कोई आपका एरिया है जो कि पत्थर पड़ेगा, और अगर आपका सर खुदा ना खास्ता वो लग गया, कितने बच्चों को मैंने पैरालाइज